नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। घनागाड़ा खरीदी केंद्र ऑपरेटर रितेश ठाकुर पर हुई कार्यवाही, तत्काल ऑपरेटर को खरीदी केंद्र से हटाया गया। किसानों से रिश्वत लेने का था आरोप। केवलारी क्षेत्र की धुटेरा सोसाइटी की शाखा धनागढ़ा सोसाइटी में चल रहा था किसानों से रिश्वत लेने का बड़ा कारोबार। क्या रितेश के साथ सोसाइटी के प्रबंधक सहित और भी अधिकारी किसानों से रिश्वत लेने के व्यापार में सम्मिलित हैं या नहीं, इसका खुलासा तो रितेश ही कर सकता है। बहुत दिनों से धनागढ़ा सोसाइटी से इस तरह की खबरें हमें प्राप्त हो रही थी, जिस पर समय जगत एवं केवलारी की आवाज़ ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए 23 मई 2020 दिन शनिवार को एक क्षेत्रीय किसान के साथ गेहूं खरीदी केंद्र धनागढ़ा पहुंचे तो किसान की गेहूं तोलने की एवरेज में रितेश के द्वारा 1,000 रुपये की मांग की जा रही थी। जब किसान ने 500 रुपये का नोट दिया तो रितेश के द्वारा नोट फेंक दिया गया और कहा गया कि जब तक पैसे नहीं दोगे उस वक्त तक मैं तुम्हारा माल पंजीयन में भी नहीं चढ़ाऊंगा एवं कांटा भी नहीं करूंगा। रितेश पर लापरवाह एवं देखरेख के अभाव की वजह से सहकारी समिति द्वारा पहले ही बारिश के चलते गेहूं खराब करने के आरोप लगे थे, जिस पर सहकारी समिति ने रितेश पर कार्यवाही करते हुए 15 मई 2020 को ही रितेश को निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद भी प्रबंधक सुनील वर्मा के द्वारा कल दिनांक 23 मई 2020 दिन शनिवार तक रितेश ठाकुर से सोसाइटी में काम लिया जा रहा था। इस वजह से प्रबंधक सुनील वर्मा जी की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। परिचय दिनेश साहब, कल आपके साथ सोसाइटी में क्या हुआ है? उससे वहाँ पे गया, जब मैंने बेचा उसके बाद जब मैं रिसीव के लिए गया तो मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे। जब पैसे ना होने की वजह से फिर मुझे एक कट्टी गेहूँ देने के लिए बोला गया, फिर भी मैंने उनको 500 दे दिया। इसके बाद में मैं 100-200 और दे रहा था, मुझसे 1,000-1,200 रुपये मांग रहे थे। फिर मैंने कहा कि ठीक नहीं देते रिसीव तो मैं चला। फिर उन्होंने क्या बोले? फिर उन्होंने कुछ नहीं, मेरे पैसे वापस कर दिए, मैं आने लगा, फिर बाद में रिसीव भी दे दिए। खबर समय जगत के लिए सिवनी जिले के केवलारी क्षेत्र से भाई बिट्टू जख्मी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.